नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां पर किसान नेता फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। हम तो अपना हक लेने के लिए आए हैं, ये कोई छोटी बात थोड़े है कि 9-10 महीने लगातार किसान धरती पे सोए, सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, और हमने कह दिया है इस सरकार को कि जब तक आप चाहोगे 2024 तक भी हम यहीं बैठे रहेंगे, तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे। मुजफ्फरनगर की ये रैली भाइयों, आपकी आज की ये रैली, सारी दुनिया इसको देख रही है। पिछले हफ्ते अमेरिका में वहां के गोरे किसानों ने आपके हक में एक बहुत जबरदस्त मुजाहरा किया, और उन्होंने जो मैसेज सोशल मीडिया पे दिया वो कहते हैं भारत के किसानों हम आपके साथ हैं, भारत के किसानों डरना मत, इन्होंने हमें डरा के कॉरपोरेट्स के चुंगल में फंसा दिया। और आज हमारी हालत ये है कि कॉरपोरेट का नाम सुनते ही हमें कंपकंपी छिड़ जाती है। मत डरना इनसे, आपके साथ सारी दुनिया के लोग हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 बार बहस हो चुकी है आपके इन कानूनों के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, हर देश की पार्लियामेंट पे चर्चा हो गई, विदेशों में सरकार की खिल्ली उड़ रही है। तो आपके आज के इस रैली ने एक चेतावनी दी है, मैं समझता हूं, मोदी सरकार को और भाजपाइयों को, या तो वो राय रास्ते पे आ जाएं, वरना अब इस आंदोलन को आप रोक नहीं पाओगे, ये घर घर चला गया। पंजाब और हरियाणा में तो स्थिति आज ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है पंजाब में किसी गांव में, लोग उनके लीडरों को घेर लेते हैं, नहीं घुसने देते। हरियाणा में